So last time we have discussed about the enthalpy of neutralization, where the value of -57.1 kilojoule that is fixed for the strong acid and strong bases, for the neutralization of strong acid and strong bases, because they ionize completely, so there is no energy that is required for their ionization. And neutralization is simply the combination of H positive ion and OH negative ions to give water. Next, we just started with the Hess's law of constant heat summation. Now, let me tell you what the law is actually. इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी चेंजेस जो होते हैं दे आर कॉन्स्टेंट, चाहे आप वो रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में कर रहे हो और द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ नंबर ऑफ स्टेप. ओके, द एनर्जी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इट विल बी कॉन्स्टेंट. ओके, सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी इट गिव्स सी. ओके, नाउ दिस इज अ वन रिएक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब मैं डायरेक्टली ए और बी को नहीं कंबाइन करती हूं, मैं पहले ए और डी को कंबाइन करके इफ आई गेट बी. ओके, पहले मैं ए और डी को कुछ कंबाइन करके मेरे पास बी आया पहले. ओके, देन आई कंबाइन बी विथ सम अनदर सब्सटेंस एंड देन आई गेट सी. Suppose the reaction proceeds like this. Suppose the reaction it proceeds like this. कि A और B directly मुझे C दे रहे हैं, but अगर मैं indirect way से कर रही हूँ, पहले मैंने A और D को combine करके B बनाया, B और E को combine करके फिर इन दोनों ने मुझे क्या दिया, C दिया. Okay? Now see, एक reaction जो पहले first step में थी उसको मैंने दो steps में divide कर दिया. Now whatever the energy change for these two steps will be there, the energy change is same as for the one step. So, agar aap reaction one step mein kar rahe ho ya number of steps mein kar rahe ho, whatever the energy change is, that will always be constant. Okay, so this is the Hess's law. That means jo delta H iska aaya hai enthalpy change, wahi same jo hai wo baki dono ke liye bhi aayega. Okay, so this is the Hess's law of constant summation, heat summation. Now let's do one numerical. Now for this we will be firstly doing the calculate the enthalpy of formation. ठीक है, तो मेरे पास एक reaction है जहां पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं. कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो कैलकुलेट करनी है. ठीक है, एंड यू नो हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो हमने ये कैलकुलेट करनी है. फर्स्टली द वेरी फर्स्ट थिंग आपने ये याद रखनी है कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की इन एलिमेंटल स्टेट, वो हमने हमेशा जीरो लेनी है. The standard enthalpy of formation of any element at its elemental state will be considered as zero. यानी कि अगर मैं suppose sodium ले रही हूँ in the elemental state, इसका जो enthalpy change है the formation, it will be zero. क्योंकि ये elemental state में है, अभी इसने कुछ form ही नहीं किया है. जब react करेगी और कुछ आपके पास formation होगी कोई चीज, उसकी enthalpies देखी जाती हैं. But here in the elemental state the enthalpy change will be zero. Okay, so ये चीज ध्यान में रखनी है पहले. Now what they are doing in the numerical is you have to calculate the heat of formation of carbon monoxide, और आपको data given है. Okay, let me write the numerical firstly. Your main aim is to calculate the enthalpy of formation of carbon monoxide. तो हमने ये देखना है. ओके, इसके लिए हमने ये वैल्यूज निकालनी है, और आपको दो वैल्यूज जो हैं रिएक्शंस की दी गई हैं.
चलिए, दिस इज द होल डाटा दैट इज गिवन टू यू, लेट मी रिपीट इट फॉर यू. हमने ये इसकी एंथैल्पी निकालनी है. दिस इज द मेन थिंग दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोवाइडेड दे आर गिवन गिविंग अस टू इक्वेशंस. अब वो कह रहे हैं इन इक्वेशंस को यूज करके आप वो वाली इक्वेशन तक जाओ. ओके, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितनी भी इक्वेशंस हम यूज कर रहे हैं सारी की सारी बैलेंस्ड होनी चाहिए. दिस इज द मेन थिंग. कुछ भी हमने करना है, हमारी सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं दे शुड बी बैलेंस्ड. नाउ इफ आई सी ऑल दीज रिएक्शंस आर बैलेंस्ड, इसको भी कर लेते हैं तो यहाँ पे हम हाफ लिखेंगे, हाफ O2 इट विल गिव अस CO2. नाउ इन दोनों को यूज करके मैंने यहां तक जाना है, यानी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए. आई वॉन्ट दीज थ्री थिंग्स इन माई फाइनल इक्वेशन और फाइनल रिएक्शन. ना मुझे ये चाहिए O2, ना मुझे ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. वट शुड आई डू? और वन थिंग मोर कि ये जो CO जो है, रिएक्टेंट साइड जो पड़ा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मुझे प्रोडक्ट साइड चाहिए. ओके, दिस इज द चेंज वी वॉन्ट. अब ये प्रोडक्ट साइड कब जाएगा? When this will be shifted in the product side, जब ये माइनस का होगा. अब हम इन रिएक्शन को कर देते हैं माइनस. आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. When I am going to subtract it, 1 minus 1 by 2, I'll be getting 1 by 2. अब ये माइनस का है CO. Here I'll be getting nothing, क्योंकि CO2, एक CO2 और एक CO2 माइनस का है, तो डैट मीन्स यहाँ पर जीरो है. बट हमने जीरो नहीं लिखना है, हम ये माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. ओके, और इन दोनों को भी हम माइनस कर लेंगे. नाउ टेल मी द वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग. करिए बेटा माइनस कीजिए और आंसर बताओ मुझे अब जल्दी से. सब्ट्रैक्ट इट एंड गिव मी द आंसर. व्हाट इज द आंसर? Very good. So that is -110.7 kilojoules. So this is the change of the energy that we are talking about for this reaction. Okay. So now you are clear with the Hess's law. ये हमारे पास direct equation थी जो हमने बनानी थी, और ये indirect way से हमने इस reaction तक हम क्या किए हैं, पहुंचे हैं. And whatever the energy changes, direct के लिए जितना energy change आया, indirect के लिए भी same आएगा. Okay. Now, write down one more numerical. एक numerical और लिखो और अब आपने solve करना है. चलिए, you have to calculate the enthalpy of hydrogenation. C2H4 gaseous plus H2 gaseous, it gives C2H6 gaseous. आपने इसके लिए एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है. जो डाटा आपको प्रोवाइडेड है दैट इज C2H4 This is for the first one, second C2H6,
This is the second reaction. बेटा द वैल्यूज दे ऑल आर नेगेटिव. ओके चलिए, अब आपने फर्स्ट वाली रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है और आपके पास ये तीन जो इक्वेशंस है आपको गिवन है. नाउ सर्च फॉर द थिंग्स यू नीड इन योर इक्वेशन. यू नीड दिस, यू नीड H2 एंड थर्ड यू नीड C2H6. अब उसमें से ये दोनों चीजें आपको इसी साइड चाहिए, ये वाली चीज जो है वो आपको प्रोडक्ट साइड चाहिए. तो दैट मींस हर हाल में हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके तो फर्स्ट और थर्ड को आप पहले यूज करो जैसे मर्जी, ताकि आपके पास ये आए. अब देखो यूज करने का तरीका क्या है. व्हाट वी नीड, मुझे ये और ये दोनों प्लस में चाहिए. दैट मींस If I want to construct this equation, तो मुझे first और third को add ही करना पड़ेगा. I have to add first and third. So your first step should be adding first and third equation. कीजिए first और third को add and corresponding their energy changes also. कीजिए बेटा. Add equation first and third. तो जब आप इसको ऐड करोगे यू विल बी गेटिंग C2H4 गैसियस प्लस 3O2 प्लस 1/2 O2 प्लस H2 तो यहां पर आपका ये दोनों ऐड होके 7/2 बना देगा. ठीक है एंड दैट विल बी 101 प्लस 286. हाँ जी कितना आंसर आया बेटा, प्लस माइनस माइनस होना था यहाँ पे 1401 माइनस 1401 माइनस 286. जी बेटा बोलिए, यहां तक क्लियर है? इज दिस क्लियर टिल नाउ? यस. सो द वैल्यू इज 1687. रमन 1687 आएगी यहां से. ओके चलिए अब हमें क्या चाहिए, अब हमने इस इक्वेशन के साथ इसको लेके जाना है. नाउ वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है हमने सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दी दिस इक्वेशन, लेट इट बी फोर्थ वन. तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड को फोर्थ में से. तो ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं हम. मैं जो फोर्थ इक्वेशन है उसको फर्स्ट के ऊपर लिखने लगी हूं, ठीक है, ताकि हम इजिली सब्ट्रैक्ट कर सके उसको. यहां पर आ जाएगा आपका प्लस H2. इट इज गोइंग टू गिव यू 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 वाटर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग द एनर्जी चेंजेस माइनस 1687 किलो. ओके अब मुझे ये इक्वेशन नहीं चाहिए तो इसको हम कर देते हैं रब. चलिए अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, इसको करो माइनस. जब आपने इसको माइनस किया यू विल बी गेटिंग C2H4 गैसियस प्लस, सी दिस इज 7/2 O2 माइनस 7/2 O2, इट विल कैंसल आउट. देन यू विल बी गेटिंग H2 गैसियस. अब ये जो माइनस वाला है उसको मैं रिएक्टेंट साइड नहीं लिखूंगी, आई विल बी शिफ्टिंग दैट टू प्रोडक्ट साइड. C2H6 गैसियस अगेन दो दो है, सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं तो दे विल कैंसल आउट. अगेन दे विल कैंसल आउट हियर. ओके सो व्हाट वी गेट आवर फाइनल इक्वेशन. ओके और अब आपने इसको माइनस करके मुझे फाइनल आंसर बताओ जल्दी से. सब्ट्रैक्ट करो 1550 1687 में से एंड गिव मी द आंसर, दैट इज 137. वेरी गुड.
Okay, so this is about the Hess's law, right? Minus 137 kilojoule. Is this clear? Hanji, is this clear, beta? Now do the next numerical, very easy for you. Now write down the next numerical. Calculate the enthalpy of transition. You can write down, calculate the enthalpy of transition when carbon diamond changes to carbon graphite. When carbon diamond changes to carbon graphite. Now see. What they are saying that we have to calculate the enthalpy of transition. जब कार्बन डायमंड जो है किस में चेंज हो रहा है टू कार्बन इन दी ग्रेफाइट फॉर्म, ये आपने निकालनी है, इसकी एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीन स्टेट चेंज की एंथैल्पी निकालनी, बिकॉज वी नो दे बोथ आर द एलोट्रॉफिक फॉर्म, ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों कार्बन की. अब आपको गिवन क्या है, एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट आपको गिवन है. तो दैट मीन्स जब आप डायमंड की कंबर्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, तो हाँ जी क्या बनेगा मुझे आप बताओ पहले, जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट. यस, व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन. कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड. उसके लिए आपको एंथैल्पी चेंज गिवन है, सिमिलरली यू आर गिवन द enthalpy of combustion of graphite, that is 395.4. चलिए निकालो बेटा अब आंसर. ये इक्वेशन है आपके पास, आपने एंथैल्पी चेंज निकालना है, कैसे निकालोगे? What is the enthalpy change? That is 1.9 kilojoules. ठीक है, तो दोनों को माइनस कर दो बस सिंपली, और यहां से आपका आ जाएगा 395 में से 393.5 माइनस कर दो. ओके, सो द आंसर विल बी 1.9 kilojoules. Now write one numerical for the homework also. ये मैंने कल पूछना है आपसे. NCERT का है, solved. NCERT numerical है ये, ठीक है? I'll be asking you tomorrow. So write down. Calculate the enthalpy of formation of benzene, C6H6. Enthalpy of formation कहाँ है? तो आपने C6H6 की जो enthalpy है formation की, वो calculate करनी है. Okay? ये आपने कैलकुलेट करनी है. नाउ यू कैन वेल इमेजिन, सिर्फ उन्होंने ये कहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन यानी कि ये हाइड्रोकार्बन है, सो दैट मस्ट बी फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, तो कार्बन और हाइड्रोजन से ये बना होगा. फर्स्टली यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, ठीक है, एंड व्हाट द डाटा इज गिवन टू यू वो मैं आपको बता देती हूँ. द डाटा हैज सिंपली गिवन द एंथैल्पी ऑफ combustion of benzene C6H6 minus 326.7 kilojoules.
okay, enthalpy of formation of carbon dioxide and water. तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको वैल्यू दी हुई है 393.3 किलो जाउल्स एंड वाटर के लिए -286.6 किलो जाउल्स. सो दे हैव गिवन दिस डाटा टू यू. बाकी आपने सारी चीजें इक्वेशंस आपने खुद लिखनी है. फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बता दी है, जस्ट सिंपली बैलेंस दिस इक्वेशन. ओके, तो सेकेंड में आपने कंबशन की बात करनी है. अगर मैं बैलेंस करूं इसको ये हो जाएगा कंबशन, यानी कि C6H6 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने क्या करना है, हीट करना है, राइट. एंड प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. देन इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा जब मैं कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करूंगी. वाटर कैसे बनेगा व्हेन आई विल बी कंबाइनिंग H2 एंड O2, राइट. अगेन यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को यूज करके आपने वो इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट करवानी. ओके, कर लोगे बेटा, कैन यू डू दिस न्यूमेरिकल, राइट. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो अभी तक हमने जितनी भी एंथैल्पीज डिस्कस की हैं, ओके, कंबशन है, लैटिस एनर्जी है, न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी है, सो ऑल दीज आर देयर. नाउ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएट करने में कितनी एनर्जी लगती है, दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी जो आप पढ़ के आए हो इन योर लोअर क्लासेस, इन योर लोअर और इन योर नेक्स्ट चैप्टर्स. ओके, तो जो आपने पहले चैप्टर्स किए हुए हैं आप उसमें पढ़ के आए हुए हो कि बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज क्या होती है. ओके, तो कितना एंथैल्पी चेंज है या कितनी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, दैट इज अ बॉन्ड एंथैल्पी. ओके, सो व्हेनेवर वी आर कंसर्न्ड विद द बॉन्ड एंथैल्पी, जैसे सपोज मेरे पास वाटर है. अब वाटर में मुझे कौन कौन से बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक करने हैं. अगर आप जनरल स्ट्रक्चर देखो वाटर का, तो दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. आई विल बी ब्रेकिंग द बॉन्ड लाइक एच एंड ओ एच. ऐसे ही टूटता है, पहले मुझे ये इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा जहां पर H सेपरेट होगा और OH जो है वो अलग होगा. फिर OH में से जो OH का बॉन्ड है अगेन दैट विल बी डिसोसिएटेड. ओके, तो दैट मींस यहाँ पर आपके पास दो एंथैल्पी चेंजेस आए हैं, द फर्स्ट एंथैल्पी चेंज एंड द सेकेंड एंथैल्पी चेंज. ओके, तो जो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आती है वो इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, एवरेज ले लेते हैं, राइट. दिस इज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. या अगर आपने बॉन्ड एंथैल्पी पूरे रिएक्शन की देखनी है, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो जैसे हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पीज लिखी थी, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है रिएक्टेंट्स की माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. उसमें से आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो प्रोडक्ट्स की है वो माइनस कर देनी है, जिससे आपके पास जो पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज है वो आएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द नंबर ऑफ मोल्स दैट वी आर टेकिंग. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्शन है, लिख लो एक रिएक्शन, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इसका. The bond enthalpy of H2, आपको bond enthalpy given है H2 की, that is 436 kilojoules per mole, और N2 की दी गई है, that is 941.3 kilojoules per mole. आपने average bond dissociation energy निकालनी है for the ammonia NH bond के लिए, NH bond in ammonia. और आपको पूरी रिएक्शन की जो
बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो गिवन है. द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी फॉर द होल रिएक्शन इज गिवन टू यू. ओके राइट. पहले न्यूमेरिकल समझ आया कि नहीं बेटा? चलिए अब रिएक्शन देख लेते हैं. तो रिएक्शन में मेरे पास N2 है, H2 है और ये मुझे अमोनिया दे रहा है. दिस इज गिविंग मी द अमोनिया. ओके इफ वी सी द बैलेंस्ड इक्वेशन इट विल बी हाफ, इट विल बी 3/2 हियर, यही होगा. हाँ जी यही है ना बेटा, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 इट गिव्स अमोनिया. दिस इज द रिएक्शन. नाउ वी हैव सीन द चेंजेस. अब चलिए बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग ये चीज आपको गिवन है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. सो दैट इज -467 दे हैव गिवन टू यू. -46 जाउल्स जो है वो आपको गिवन है. नॉट 46 जाउल्स. बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स ये दोनों है H2 एंड N2. तो इनकी हमने पहले प्लस करनी है राइट. अब N2 की 941 थी तो हाफ ऑफ N2 की कितनी हो जाएगी? इसका हाफ कर देंगे तो 941.3 का हाफ हो जाएगा. प्लस समेशन. दिस इज द साइन ऑफ समेशन. यानी कि जितने भी रिएक्टेंट्स है आपने सारे वो ऐड करके लिखने हैं. सिमिलरली इसका मैं 3/2 करूंगी. H2 की मुझे गिवन है दैट इज 436. यहां तक क्लियर हुआ बेटा? इज दिस क्लियर टिल नाउ? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. तो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पीज जो है वो हमने सबकी लिख दी हुई है. अब इसमें से हमने माइनस कर देनी है. सी आपको पूछी है एन एच बॉन्ड की. दे आर आस्किंग यू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ एन एच बॉन्ड. नाउ हाउ मेनी एन एच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया? अमोनिया में कितने NH बॉन्ड्स हैं बेटा? हाउ मेनी NH बॉन्ड्स इन अमोनिया? 3. ऐसे खोल के लिखूंगी ना मैं स्ट्रक्चर इसका. तो ये एक, ये दो और ये तीन. तो इसमें से हमने माइनस कर देना है ये 3 इंटू NH बॉन्ड क्योंकि ये हमने निकालना है. नाउ सॉल्व दिस एंड गिव मी द आंसर. पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो. ठीक है करो और आंसर बताओ. सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर बेटा. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग इट लाइक दिस. इसमें आपका 46 जो है वो प्लस हो जाएगा एंड दिस होल इक्वेशन इट विल बी फर्दर डिवाइडेड बाय 3. दैट इज गोइंग टू गिव यू द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ एनएच बॉन्ड. सॉल्व करो और आंसर दो मुझे. जस्ट सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर. चलिए इसको सॉल्व करो और आंसर दो. जल्दी बेटा कितना आंसर आया?